हल्द्वानी के पहाड़ों में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बिजली प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बागेश्वर में बंद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। आपदा के दृष्टिगत सभी जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसके अलावा क्विक रिस्पॉन्स टीम की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि सड़कों के बंद होने की जानकारी जल्द से जल्द मिले और आवाजाही को तुरंत सुचारू किया जाए। वहीं कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग फॉरेस्ट की टीम को आपदा प्रबंधन के लिहाज से 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हमारी नैनीताल में और उधम सिंह नगर में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स तो कहीं पे भी बंद नहीं हैं। हमारी बागेश्वर में अभी कुल मिला के 5 सड़कें बंद हैं और पिथौरागढ़ में 4 सड़कें बंद हैं, लेकिन सभी में काम चल रहा है। बागेश्वर में कपकोट में 7 गांव हैं जिनकी बिजली अफेक्टेड है, तो इसमें चीफ इंजीनियर जो UPCL के हैं, इनको बोला गया है कि ये शाम तक सुचारू करें यहाँ पर बिजली की व्यवस्था को।